आज हम बात करते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर की। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है विद द इंटेंशन और विद द नॉलेज। ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर वही चीज़ थोड़ा ज़्यादा जोर से लग जाए, तेज़ लग जाए, तो शायद उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए। तो ऐसे अपराध के लिए बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि आपने किसी व्यक्ति का मर्डर करने का अटेम्प्ट किया है, फुल ऑफ अटेम्प्ट। तो तब ऐसा अपराध, ऐसे ऑफेंस आते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि आईपीसी की धारा 307, 307 आईपीसी। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है जहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को जान से मारने की पूरी कोशिश करता है और उसे पता है कि जो मेरे हाथ में वेपन है, हथियार है, या चाहे कोई चाकू या छुरा कुछ भी है, जो सामने वाले व्यक्ति को जा मारता है और मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है, वो सोचता है कि ये मर गया, लेकिन वो खुद ही कुछ समय बाद, कुछ ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो बच जाता है किसी कारणवश। तो वह अपराध 307 की कैटेगरी में आता है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर की। आपने मर्डर करने की पूरी कोशिश करी थी लेकिन खुदा ना खास्ते ऊपर वाले की कृपा हो गई जिससे वो बच गया है। तो ऐसे अपराध जो हैं वो अटेम्प्ट टू मर्डर की में कैटेगरी में आते हैं। जब आपने कोशिश करी मारने की, आपको पता था कि मुझे उस व्यक्ति को मारना है और आपने उसको काफ़ी हार्म या इंजरी, एक डीप इंजरी उसको पहुंचाई है, या वो हो सकती है सर में आपने मारी हो, पेट में मारी हो ऐसे भी, या चेस्ट में आपने मारी हो, ऐसे कोई जगह पर कि जहाँ पर अगर थोड़ा और लग जाता, जो थोड़ा ज़्यादा गहरा लग जाता, तो उसमें लगने से उसकी मृत्यु हो जाती। तो ऐसे अपराध जो है वो इस अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, किसी व्यक्ति को ऐसा कोई हर्ट नहीं पहुँचाना है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। अगर यही चीज़ मृत्यु हो जाती है, अगर आपने किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करी, अगर वो जान से मर जाता है, तो हत्या यानी कि मर्डर केस में आता है, 302 में आ जाता है, 302 के आईपीसी में आ जाता है, जो मैंने आप वीडियो उसकी बनाई हुई है, आप देख सकते हो उस मर्डर की कैटेगरीज में। और अगर वो बच जाता है तो वो 307 की कैटेगरी में आता है, वही अपराध जो जिसमें कि मर्डर हो जाता है। तो मर्डर के अपराध में जो सज़ा है वो मैक्सिमम सज़ा जो है वो डेथ है, यानी कैपिटल पनिशमेंट। और अगर आपने जान से मारने की कोशिश करी और वो बच गया, वो किसी भी कारण से बच सकता है, बच गया, तो वो अपराध 302 ना होकर 307 का हो जाता है, 307 का अपराध हो जाता है, जिसमें कि मैक्सिमम जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि उम्र कैद की सजा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अपराध है, जो आपने एक्ट किया है, उस एक्ट की जो पनिशमेंट है वो आईपीसी की 307 में दी है। अगर कोई किसी को आपने जो एक्ट किया है, अगर वो एक्ट हो जाता है कम्प्लीटली और सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो 302 में आ जाता है, यानी कि वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर आपने नहीं किया, आपके करने से आपने जो उसको मारने की कोशिश करी उसमें आप कामयाब हो गए और तो 302, और अगर नहीं हुए यानी कि वो मरा नहीं और आप पर जो केस है वो, तो 307 का लगने वाला है। तो ऐसे में आप बचने के लिए अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रहें, खुद भी बचें और दूसरे को बचाएं, ऐसी कभी नौबत ना आए। लेकिन जब सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो व्यक्ति मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन हो सके जितना बच सकते हो आप उन सब चीज़ों से बचें। और जो इसमें सज़ा है मैं बताता हूँ, 307 में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है जो कि ट्रायल बाय सेशन है। इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने वो किया हो अपराध तो, और अगर कहीं पर किस तरीके से कुछ ऐसा एविडेंस नहीं दे पाते हैं तो आपको बेल आसानी से मिल जाती है, लेकिन जेल जाना ही पड़ता है उसमें। तो इन सब चीज़ों से आपको मैंने अवेयर कराया है। मेरी वीडियो को
बहुत सारी वीडियो मैंने बताई हैं, बनाई है, मर्डर पर बनाई है और ये अटेम्प्ट टू मर्डर बनाई है, और भी सारी वीडियोस हैं, वो आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।